यहाँ पर सामने स्मोक होते हुए दो टीमें आपस में लड़ रही थी, और यहाँ पर रैंडम ग्रेनेड पर ग्रेनेड, ग्रेनेड पर ग्रेनेड, और यहाँ पर ये तीन में से भाई साहब पहला ग्रेनेड फटा, एक किल मेरे टीममेट का कंफर्म हुआ, उसने एक और को नॉक किया, यहाँ पर ग्रेनेड फटा, किल मैसेज देखो बस। और भाई साहब इस बंदे के पास थी MK। सो हे गाइस, हियर टोपी आदर्श, और गाइस आ चुका हूँ एक और नए गेम प्ले के साथ वापस। और गाइस आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा तबाही होने वाला है यहाँ पर, एंड तक हम सिर्फ दो बंदे बचते और क्या ही तबाही मचने वाली है गाइस इस गेम प्ले में। आपने स्टार्टिंग की क्लिप देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो गाइस यहाँ पर हम उतरे थे मिलिट्री बेस, यानी कि हम मिलिट्री बेस में आते सोचते हैं कि भाई यहाँ पर भसड़ मचेगी, स्क्वाड वगैरह आएंगे दो तीन, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। बस देखना आप, यहाँ पर हम लैंड करते तो हमें एक भी स्क्वाड नहीं दिखती, एक भी नहीं। लेकिन पता नहीं मेरे टीममेट को यहाँ पर कैसे दिख जाती है। इसे जल्दी से गाइस यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर लैंड करते हैं और जल्दी से गन के लिए भटकते हैं गाइस। और जैसे ही मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ तो मुझे इन दो जगहों पर तो गन मिलती नहीं है, लेकिन देखो गाइस यहाँ पर मुझे UMP मिल जाती है, और साथ में ये फ्री का किल जो KD बढ़ाने का रक्षक होता है गाइस, ये यहाँ पर मिल जाता है, जिससे हम इजीली किल कर देते हैं। और भाई ये KD बढ़ाऊ रक्षक नहीं, ये एक वरदान भी है, क्योंकि इसके पास से काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है मुझे, M762 मिल जाती है, और थोड़ी 5K MO भी मैं उठा लेता हूँ गाइस इसके पास से। उसके बाद मिलिट्री में मुझे एक और बॉट मिलता है, जिसका किल यार मैं दिखाता नहीं, क्योंकि यार बॉट की किल क्या ही दिखाऊँ। उसके बाद हम इस कंपाउंड पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें बंदों के फुटस्टेप तो आते हैं गाइस। और देखो गाइस आप, यहाँ पर मेरा टीममेट एक बंदे को तो नॉक कर देता है इजीली, लेकिन यार उसे एक बंदा टोटली पूरा नॉक फिनिश कर देता है। बस देखो आप, यहाँ पर उसे नॉक किया और यहाँ पर भाई फिनिश भी कर दिया। भाई क्या बंदा है, मतलब क्यों भाई क्यों, तुम जैसे बंदों की वजह से ही तो PUBG बदनाम हो रहा है भाई, नॉक फिनिश क्यों करते हो। इसे नॉक करके मैं जल्दी से आता हूँ, यहाँ पर हील लगाता हूँ, और यहाँ पर मुझे दो दो बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे, एक तो मेरे टीममेट ने जिसे नॉक किया था वो, और एक जिसे मैंने नॉक किया था। और यहाँ पर देखो गाइस इसके दो बंदे कैसे आते हैं, एकदम रक्षक बन के आते हैं, जो भक्षक बन के वापस चले जाएंगे। देखो बस आप यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर बग्घी का साउंड आया, और ये देखो भाई ये दोनों को देखो गाइस, एक बंदे का किल मुझे मिला, एक मेरे टीममेट को, यार इसे भी मैं ही मार देता, लेकिन क्या करें भाई, किल के चोर तो हर जगह फैले हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसे लूट लेते हैं, लेकिन यार यहाँ पर एक टीममेट गंवाना पड़ता है हमें। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर उस कंपाउंड से हम गाड़ी लेकर आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गन फाइट की साउंड आ रही थी। तो गाइस हम यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड में, और हाँ गाइस इस वाले कंपाउंड में एक पूरी की पूरी स्क्वाड कैंप कर रही होती है गाइस, जिसे हम देखना कैसे मारते हैं। तो दो बंदे शायद गाइस ट्रिपल स्टोरी में होते हैं, और दो बंदे लेफ्ट में होते हैं, एक स्क्वाड हाउस पर मुझे दिखता है, जिसकी मैं फायर लेने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन यार होलो में क्या ही दिखेगा, DP का स्प्रे बदल दो होलो में, मुझे रिकॉइल कंट्रोल करना एक टाइप का मुझे मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू 3X या फिर 6X की गाइस। ट्राई तो करता हूँ उसे मारने का, लेकिन यार कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद होता क्या कि उन बंदों ने मेरे एक टीममेट को नॉक कर दिया होता है, और देखो गाइस यहाँ पर इस बंदे को भाई कितना डैमेज देता हूँ मैं, फिर भी ये बंदा नॉक होके नहीं देता। और वापस से गाइस मैं अपने DP को रीलोड करता हूँ, और उस बंदों की तरफ ही देखता रहता हूँ गाइस। यहाँ पर देखो इस बंदे को कैसे मैं फ्री फायर में ले लेता हूँ DP के, भाई मतलब फ्री फायर में पिक करोगे तो यार तुम्हारी हालत तो ख़राब होगी ही ना। और मेरे टीममेट के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मेरा टीममेट उसे दवाई दे देता है। उसके बाद होता क्या है कि मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी में रेस्ट मार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा नॉक हुआ रहता है, मेरे टीममेट ने ग्रेनेड से नॉक किया रहता है एक बंदे को। यहाँ पर ग्रेनेड इतना एग्जैक्ट था गाइस, लेकिन देखो यार ये बंदा मरता कैसे नहीं है, मुझे खुद को नहीं समझ में आया। और इसे देखो भाई, नहीं मतलब क्या चल क्या रहा है भाई, मैं आ रहा हूँ पीछे से देख रहा आगे भाई, एकदम लाचार सा पड़ा है यहाँ पर, और ऊपर जाकर मेरा टीममेट उस दूसरे बंदे को भी यहाँ पर नॉक कर देता है, और इनका जो लास्ट वाला बंदा बचता है गाइस उस बंदे पे मैं तुरंत रश मार देता हूँ, क्योंकि यार मेरे टीममेट मुझे किल लेने दे ही नहीं रहे थे। पहले तो मैं सोचता हूँ कि भाई ग्रेनेड करूँ, और देखो गाइस ये ग्रेनेड क्या ही धमाकेदार होता है, मतलब इतना प्यारा ग्रेनेड
सीधा बंदे के मुंह पे जाके फटता है गाइस। यहाँ पर जैसे ही वो ग्रेनेड फटा, आखिरी बंदा इनका वहाँ पर होता है, यहाँ पर मेरे टीममेट ने मार्क करके बता दिया है, तो मैं वहाँ पर जल्दी से पुश कर देता हूँ क्योंकि यार लास्ट बंदा है, किल चाहिए तो पुश करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो गाइस क्या ही एंगल बना के मारता हूँ मैं बस उस बंदे को। और ये बंदा देखो गाइस इस वाले घर के अंदर एकदम छोटा सा रूम है, वहाँ पर अगर मैं जाता तो यार मुझे टेक डाउन कर लेता, लेकिन यहाँ पर इसे मैं बैरल के फ्री फायर में ले लेता हूँ और इजीली यहाँ पर ये टीम भी फिनिश हो जाती है। उस कंपाउंड से निकलने के बाद इस कंपाउंड में जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गन फाइट की साउंड आती है। और ये स्पॉट को देखो भाई क्या कैंप लगा के बैठे थे, मतलब इन्हें हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि भाई कितना गंदा वाला फायर दिया था, इनकी गाड़ी वगैरह ब्लास्ट कर दी थी। और यहाँ पर देखो भाई सामने से गन फायरिंग के साउंड आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर दो से ज़्यादा स्क्वाड लड़ रही थी गाइस, जिनमें से एक स्क्वाड शायद मर चुकी थी और दो स्क्वाड के एक एक बंदे बचे होते। और देखो गाइस यहाँ पर होता क्या है, पहले तो गाइस मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ, मैं दो ग्रेनेड ट्राई करता हूँ गाइस और देखो भाई क्या होता है। पहला ग्रेनेड तो यार वेस्ट जाता है और दूसरा ग्रेनेड मैं वहाँ पर सीढ़ियों पर फेंक देता हूँ और देखो गाइस यहाँ पर होता क्या है, नॉक कौन हो जाता है। मुझे लगा भाई बंदा नॉक हुआ, देखो तो कौन नॉक होके निकल रहा है भाई, क्यों मतलब सीढ़ियों में यार नेड फेंका है, बताया है मेरे टीममेट को, फिर भी भाई जा रहे। फिलहाल यहाँ पर इसे जल्दी से रिवाइव देते हुए हम दोनों यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यार यहाँ पर मेरा टीममेट एक बंदे को किल कर देता है। और देखो भाई यहाँ पर वो बंदे को तो किल करने के बाद यहाँ पर ये बंदा देखो भाई क्या मतलब, एक बंदा ऊपर एक बंदा पैनिक रूम में नीचे, भाई साहब मतलब चल क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। एनीवे यहाँ पर भी इन बंदों को मारकर हम जल्दी से निकल लेते हैं जोन में, क्योंकि देखो गाइस जोन के लिए टाइम कितना बचा था। जोन में आने के बाद गाइस हम यहाँ पर ये जो जोन के यहाँ पर जो हॉस्पिटल के इधर स्क्वाड हाउस था गाइस यहाँ पर हम वेट करते ताकि जोन श्रिंक हो और पता चले कि भाई अगला जोन कहाँ बन रहा है। यहाँ पर हम काफ़ी देर वेट करते लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं और कोई रश नहीं मारते, और सामने से गाइस काफ़ी ज़्यादा गन फायरिंग के साउंड आ रहे थे, लेकिन गाइस वो टीम आधी तो लड़के मर जाती और एक दो बंदे जो बचे होते वो लीट होते तो वो जोन से ही मर जाते गाइस। उसके बाद जोन यहाँ पर हमें धोखा देते हुए एनिमीज के ऊपर बन जाता है, तो हम यहाँ पर जल्दी से जोन इन करते हैं। जैसा कि आपने सुना यहाँ पर हम उन बंदों को सरप्राइज अटैक देने वाले हैं गाइस, तो देखो बस हम कैसे उन बंदों को सरप्राइज अटैक देते हैं। जल्दी जल्दी भाग कर गाइस मैं यहाँ पर इस पहाड़ी की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे पूरे तीन बंदे दिखते हैं गाइस, जो सामने वाले जो नीले घर है नीचे साइड में वहाँ पर ग्रेनेड कर रहे थे काफ़ी देर से। और यही गाइस वो स्टार्टिंग वाली क्लिप है जो गाइस आपको मैं दिखा रहा था कि भाई यहाँ पर मैं एक MK वाले बंदे के साथ भिड़ने वाला हूँ, मतलब आपको यहाँ पर M762 वर्सेस MK14 देखने का मौका मिलने वाला है गाइस। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भसड़ मचेगी, देखो भाई ग्रैंडम ग्रेनेड तो भाई ऐसे ही घर लेके जाना तो है नहीं गाइस इन्हें, इसलिए फेंक दो यार पत्थरों की तरह और बस आप किल फील्ड में नोटिस करना क्या हो रहा है, किल फील्ड देखना बस आप। यहाँ पर मेरा एक टीममेट का एक किल कन्फर्म हुआ, उसने एक और बंदे को नॉक किया, और ये देखो भाई किल फील्ड देखो, एक बंदे को नेड से नॉक किया मैंने और एक बंदा हो गया डायरेक्टली बैरल से फिनिश। थोड़ा जिगल मूवमेंट दिया गाइस मैंने इसीलिए मैं बच पाया हूँ, नहीं तो भाई साहब वो बंदा मुझे MK से ले ही लेता अपने चपेटे में। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर देखो ये बंदे उछल कूद कर रहे भाई, मतलब क्या कर रहे क्या हो। और ये DP का स्प्रे देखो भाई, एक स्प्रे में कितने नॉक हो गए, दो नॉक भाई, मतलब DP बोले तो यार OP गन है गाइस, OP जीरो रिकॉइल है यार जीरो। अब देखो लास्ट वाले बंदे को क्या ही पैनिक करके मारते हैं, बस देखना आप, स्मोक ही स्मोक, ग्रेनेड ही ग्रेनेड। वैसे ग्रेनेड तो थे नहीं मुझ पे, काफ़ी ज़्यादा मैंने पत्थरों की तरह फेंक दिए थे, यहाँ पर बचते मेरे पास सिर्फ स्मोक है। तो देखो गाइस यहाँ पर कैसे स्मोक स्मोक करके इस बंदे को कितना कंफ्यूज कर देते। यहाँ पर वो बंदा जंप कर देता है और यहाँ पर एक इजी चिकन डिनर गाइस। होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई होगी और आपका भाई MVP है यार, ये तो मानना पड़ेगा। इसके लिए गाइस एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार।